हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। मेरा मिक्सर जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसको रिपेयर के लिए हम लोग गो लेके जा रहे थे। और जहाँ हम लोग मिक्सर रिपेयर के लिए देने जा रहे हैं, वहाँ जो है एरिया वो ज़्यादातर वहाँ पे इंडियन दुकानें हमें सब कुछ अच्छे से मिल जाती है। और लुलु शॉपिंग मॉल भी वहीं पे करीब में है जहाँ मुझे मिक्सर रिपेयर देने के लिए जाना था। तो जाने से पहले मैं अपना इकामा सब कुछ चेक कर लेती हूँ। वही इकामा आप लोगों को दिखा रही थी, ईजान का इकामा। इकामा जो है वो यहाँ का रेसिडेंट आइडेंटिफिकेशन का वो जो कार्ड रहता है वो है, उसको मैं हमेशा साथ में रख लेती हूँ। वैसे भी कहीं कभार कुछ कहीं कभार ज़रूरत पड़ती है और तो कहीं कभार नहीं, लेकिन मैं हमेशा साथ में रख लेती हूँ। यहाँ जो है हम लोग हीटर का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये ऑयल रेडिएटर हीटर है। इससे पहले जो हम लोगों का हीटर था वो थोड़ा डेंजर था, बच्चा छोटा है तो वो हीटर भी ख़राब हो गया था, उसकी वायरिंग चले गई थी, सॉकेट भी ख़राब हो गए थे उसके चलते। तो ये हीटर जो है सेफ़ है बच्चे के लिए भी। हीटर के बिना तो हम लोग यहाँ विंटर सीज़न नहीं गुजार सकते, यहाँ उतनी ज़्यादा ठंड रहती है। सुबह के 7:30 हो रहे थे, ईजान अभी सो रहा था। मैं जगी हुई थी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स रेडी करके दे के भेजी थी। वो अभी अभी ऑफिस गए थे 6:30 वैसा। तो यहाँ मैं आपको टेम्परेचर दिखा रही हूँ कि कितनी ठंड रहती है। तो ये देखिए, उस टाइम पे 7 डिग्री थी सुबह के टाइम, इससे भी ज़्यादा कभी 6 या 7 8 9 तो यहाँ चलती रहती है सुबह में। ईजान जो है सुबह में 10 बजे तक सोते रहता है। जैसे ही वो उठ जाता है उसको मैं पहले फ्रेशअप कर देती हूँ। फ्रेशअप करवा के उसको मैं उसके कपड़े चेंज करा देती हूँ, उसको फुल गर्म गर्म रखती हूँ। वैसे तो स्वेटर नहीं डालता, इस वजह से मैं उसको गर्म कपड़े पहना देती हूँ और सॉक्स और बूट भी उसको पहना के मैं उसको बेडरूम में ही छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर यहीं पे ही बिठा देती हूँ क्योंकि बाकी के रूम जो है बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो ये बेडरूम जो है हीटर के वजह से जो है ये थोड़ा सा गर्म रहता है। तो 12 बजे के बाद जो है मैं उसको लिविंग रूम में लेके जाती हूँ क्योंकि लिविंग रूम में जो है 12 बजे के बाद थोड़ी अच्छी सी धूप आती है विंडो ओपन करने के बाद, तो वहाँ अच्छा लगता है उस टाइम। आज मैं लंच में बना रही थी घी राइस, और घी राइस के साथ मैं बनाऊंगी मेथी मटर खीमा और थोड़ा सा रायता। ये तीन बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ घी राइस के लिए सबसे पहले मैं घी को गर्म कर ली हूँ, उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड की हूँ। ड्राई फ्रूट्स को थोड़ी देर फ्राई करूँगी और इनको बाहर निकाल लूँगी।
वही घी में मैं बाद में डालूंगी गरम मसाले, तेज़पत्ता और थोड़ा सा लौंग और इलायची, बस तीन ही गरम मसाले इसमें मैं ऐड करूंगी। उसके बाद कटी हुई प्याज, यहाँ मैं एक बड़ी से इसकी प्याज को अच्छे से चॉप करके रख ली थी। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको, उसके बाद जो है थोड़ी देर पकाऊंगी। पकाने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी जो है आप अपने चावल के हिसाब से, जो अदन बोलते हैं हम लोग उसको, उतना पानी मैं इसमें ऐड करूंगी। जितना मेरा चावल पकेगा उतना पानी मैं इसमें ऐड करूंगी। जब भी कुछ अच्छा पकवान बनाती हूँ तो उसी टाइम पे ही मैं शूट करती हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा नॉनवेज ही खाते हैं। लास्ट वीडियो में भी मेरा नॉनवेज ही था। बस जब भी अच्छा बन जाता है तो मैं उसकी रेसिपीज जो है आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। बाकी टाइम तो वही रहता है, रोटी सब्जी दाल वगैरह ऐसे ही हम लोग खा लेते हैं। जब भी अच्छा कुछ डिश बनता है, चाहे वेज हो नॉन वेज हो, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और साथ में मैं यहाँ थोड़े से वेजिटेबल्स भी ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली इसमें वेजिटेबल्स नहीं डालते, लेकिन मुझे ये डालने से थोड़ा अच्छा सा लगेगा खाने में, इस वजह से मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स को ऐड की हूँ। और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता और हरी मिर्चें भी मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद जो है अच्छे से पक जाएगा पानी। पानी अच्छे से पकने के बाद मैं इसमें डालूँगी चावल। चावल डालने के बाद ही मैं इसमें नमक डालूँगी। बस इतना ही है, जिसे आप लोग पुलाव बनाते हैं उसी तरह इसको बनाना है। और जैसे ही चावल जो है थोड़े बाकी रहेंगे ना, चावल का पानी बस थोड़ा सा ही बाकी रहेगा, पूरी तरह से सूख जाएगा, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी डाल दूंगी और घी डाल के इसको मैं दम के लिए छोड़ दूंगी। खीमे की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने पहले व्लॉग में आप लोगों को दिखाई थी, लेकिन इस टाइम भी आप लोगों के साथ थोड़े थोड़ा ऊपर ऊपर से शेयर करूंगी। बस ज़्यादा कुछ नहीं, पहले खीमे को अच्छे से हमें गला लेना होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक कढ़ाई में थोड़े से प्याज को अच्छे से चॉप कर लूँगी, और उसको प्याज को अच्छे से तेल में अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उसमें मैं ऐड करूँगी मेथी। मेथी ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़े से मटर और आलू भी ऐड कर दूंगी। और उसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी। यहाँ मैं मसाले में यूज़ कर रही हूँ धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर मैं इसमें ऐड की थी। बस इन सबको अच्छे से पका लेना है, ऊपर ऊपर तेल नज़र आएगा तब तक इसको पकाना है। और उसके बाद जो है खीमे का जो खीमा जो गल गया था उसका पानी मैं इसमें डाल के इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूंगी। और उसके बाद जो है मेरा खीमा जो था उस खीमे को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बस इतनी सी सिंपल सी रेसिपी है, इसको मैं ऑलरेडी शेयर कर दी हूँ, उस वजह से जो है मैं ऊपर ऊपर आप लोगों को इसकी रेसिपी बता रही हूँ।
जी बस आज का वीडियो इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोगों को क्या करना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। जो व्यूवर्स मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।